गुड मॉर्निंग सर, दीपक सर ने ये फाइल देने को बुलाया है। कौन हो तुम? सर मैं न्यू एम्प्लॉय, आज मेरा पहला दिन है सर। ये तुम अटक अटक के क्यों बात कर रही हो? सर वो मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है बचपन से। किसने हायर किया तुम्हें? दीपक सर ने सर। ये फाइल मुझे दो और जाओ से। और सुनो, आगे से कभी मेरे साथ बात करनी हो ना तो बिना रुके बात करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहां खड़े होकर घंटों तुम्हारी बातें सुनो। बचपन से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। यस सर। ये किसको हायर किया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? सर कौन? कौन? ये नई एम्प्लॉय रागिनी। हाँ रागिनी। सर वो तो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग और टैलेंटेड लड़की है, और उसका रिज्यूमे भी काफी अच्छा था। अच्छा, और उसका बोलने का तरीका कैसा लगा आपको? सर अब थोड़ी कमियां तो सब में होती है ना। थोड़ी कमी? ठीक से सर नहीं बोल पा रही थी वो लड़की। अब तुम इस ऑफिस को एनजीओ बनाना चाहते हो? अब मैं एक अगली लड़की को इस ऑफिस में रखूंगा। मेरी बात ना ध्यान से सुनो, मुझे वो इस ऑफिस में नहीं चाहिए। कल को अगर उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलूंगा ना तो एक महीना लगा देगी उसको पूरा करने में। सर ऐसे किसी के बोलने के तरीके से थोड़ी ना हम किसी को निकाल सकते हैं, ये तो गलत होगा ना सर। कुछ गलत नहीं है, तुमसे जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर। अपना ये दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से और उस लड़की को बोल देना कि कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ। ओके सर। रागिनी तुम्हें नेक्स्ट वीक से जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी बट ये सर का डिसीजन। कोई बात नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपकी और सर की बातें सुन ली थी सर। जो प्रेजेंटेशन तुम कल देने वाली थी क्लाइंट को, उसकी फाइल तुम मुझे दे देना, वो प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। ओके सर। एंड सॉरी वंस अगेन। सर जैसे जैसे प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट आपको पर ईयर 25% तक का हो सकता है। सर कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन? मनीष जी ये कोई प्रेजेंटेशन? इस प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके साथ कोई डील नहीं कर सकता। सर बट मिस्टर दीपक हमारी कंपनी के बहुत काबिल एम्प्लॉय हैं तो। देखिए वो होंगे काबिल, लेकिन ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं आपके साथ डील नहीं कर सकता। सॉरी। कैन आई प्रेजेंट? क्या सर? कैन आई गिव द प्रेजेंटेशन? दीजिए। थैंक यू। सर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारी सेल्स हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में। प्लानिंग कर रहे हैं इसको अप्लाई करने की, सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। मनीष जी आपके पास इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी तो आपने ये पहले क्यों नहीं दी? सर वो बस एक्चुअली क्या। चलिए खैर छोड़िए, मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। विद दिस प्रेजेंटेशन मैं डील करने के लिए तैयार। नेक्स्ट वीक आता हूँ, आप पेपर्स रेडी करवा के रखिए। सर थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। रागिनी आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें तुम्हारे हकलाने की वजह से जज किया। मुझे लगा था कि तुम हकलाती हो तो इस कंपनी के लिए तुम यूजलेस हो, लेकिन आज प्रेजेंटेशन में तुम
तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया। कोई बात नहीं सर, आप सॉरी मत बोलिए, सब लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, लोगों में खूबियां ढूंढने से पहले हम उनकी कमियां देख लेते हैं। ठीक कहा तुमने अग्नि, तुम्हें ऑफिस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोगों की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू सर। और एक और बात, आगे से अगर कोई भी तुम्हें तुम्हारे हक लाने की वजह से परेशान करता है तो सबसे पहले तुम मुझे आकर बताओ। ओके सर। ध्यान रखिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी नीडी।